अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 ऑन द ओशन पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है, चैप्टर नंबर 2 आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, आप लोगों ने वो नहीं करना। अब हम लोग आते हैं अपनी पॉइम की तरफ। ऑन द ओशन, समंदर में, ये पॉइम लिखी है एसटी कॉलरेज ने, सैमुअल टेलर कॉलरेज ने लिखी है। और ये जो एक्चुअल पोएम है उसमें से कुछ स्टैंजास लेके आपके बुक में दिए गए हैं। एक्चुअल पोएम का नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, और उस पोएम में जो है वो पोएट ने एक सेलर की स्टोरी को डिस्क्राइब किया है, सेलर बोलते हैं मल्लाह को। उसमें जो है वो एक ऐसे सफ़र का तस्करा किया गया है जिसमें उनका सारा का सारा क्र्यू जो है वो मारा जाता है, तमाम अमला जो है वो किल हो जाता है उस सफ़र के दौरान, सिर्फ और सिर्फ सेलर बचता है। तो कौन कौन से मुश्किलात से और परेशानियों से वो गुजरते हैं उसका तस्करा इसमें किया गया है। अब आप लोग सुन लें कि ओशन और ओशन होता क्या है, बड़े से समंदर को बोलते हैं। सी और ओशन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि सी जो है वो छोटा साइज का होता है, और आमतौर पर एक कंट्री के अंदर जो है वो एक सी हो सकता है, जबकि ओशन जो है वो इतना बड़े साइज का होता है कि वो 2 से 3 कंट्रीज के बॉर्डर को टच करता है। ठीक है, तो वो इमेज अपने पिक्चर माइंड में रख के अब आप लोगों ने इसको रिलेट करना है उसके साथ। चलिए जिसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई, तमाम गर्म और तांबे जैसे आसमान पे। कॉपर बोलते हैं, कॉपर एक मेटल का नेम है, और कॉपर का जो कलर है वो ब्राउनिश होता है, उसमें थोड़ी सी मेरून जो है वो टिंज होती है, वैसा आसमान है। द ब्लडी सन एट नून, और जो है बिल्कुल सुर्ख चमकता हुआ, दहकता हुआ, जलता हुआ सूरज है दोपहर के वक्त। यानी वो एक्चुअली आप लोगों को बताना चाह रहा है इसमें कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, और ऐसे लग रहा है कि सूरज जो है वो बिल्कुल ब्लडी है, रेड कलर का है, आसमान जो है वो तांबे की तरह का है, बहुत ज़्यादा गर्म है। राइट अप अबव द मास्ट डिड स्टैंड, मास्ट बोलते हैं मस्तूल को। अगर आप कभी कोई शिप देखें तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा जो है वो डंडा होता है जिसके ऊपर बादबान बांधे जाते हैं। ठीक है, उसे मस्तूल बोलते हैं या मास्ट बोला जाता है, और वो जो है वो बादबान एयर की जो है वो मूवमेंट के साथ साथ उसी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। राइट अबव अप द मास्ट इट स्टैंड, सूरज किधर आ गया, मास्ट के मस्तूल के बिल्कुल ऊपर आके खड़ा है। नो बिगर देन द मून, उसका साइज कितना है, जितना एक चांद का होता है। ठीक है, बिल्कुल ऊपर आने का मतलब क्या है, आप लोग जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है तो उस टाइम बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी होती है। ठीक है, तो वो एक्चुअली ये बताना चाह रहा है स्टैंजा में कि गर्मी का मौसम है, सूरज जो है वो दहक रहा है, और आसमान जो है वो तांबे की तरह का लग रहा है, और बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी है। डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन गुजरते जा रहे हैं। वी स्टक, नोर ब्रेथ नोर मोशन, स्टक बोलते हैं फंस जाने को, जम जाने को, हम लोग फंस चुके हैं। नोर ब्रेथ, ना ही सांस ले सकते हैं, नोर मोशन, और ना ही किसी किस्म की कोई हरकत हो रही है। मोशन बोलते हैं हरकत करने को। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन, आइडल बोलते हैं बेकार को। वो कह रहा है कि हम ऐसे मतलब बेकार हैं और फालतू हैं जैसे अगर आप कोई जैसे कोई पिक्चर पेंट हुआ है, कोई ओशन की आप पिक्चर देख रहे हैं और उसके अंदर जो है वो शिप को पेंट किया हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि किसी भी पेंटिंग के अंदर तस्वीर जो है वो स्टेशनरी होती है, उसमें मोशन नहीं हो रही होती। तो वो कह रहा है कि सेम ऐसी सिचुएशन है हमारी भी कि हम लोग बिल्कुल जो है वो फंस चुके हैं, हवा का नामो निशान नहीं है, ना ही सांस लेने के लिए हवा दरकार है और ना ही मोशन के लिए, लेकिन ना ही उनसे सांस मतलब सही तरह ली जा रही है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, और उनकी जो शिप है वो भी स्टक हो चुकी है, दरम्यान में रुक गई है। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी हर जगह है। एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, और तमाम तख्ते सुकड़ चुके हैं, श्रिंक बोलते हैं सुकड़ने को। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी हर जगह है, बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक भी कतरा नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अब आप लोगों को पता है कि जो ओशन का वाटर है वो साल्टी होता है, और उसके अंदर जो है एक्वेटिक एनिमल्स का वेस्ट भी होता है, तो वो पीने के काबिल नहीं होता, उसे आप पी नहीं सकते, वो आपके लिए जो है वो डेंजरस होता है। तो वो कह रहा है कि हर जगह पानी है, लेकिन उनकी बेबसी का ये आलम है कि पीने के लिए उनके पास पानी का एक कतरा भी नहीं है। नेक्स्ट आप लोग आ जाएं इसकी एक्सरसाइज पर। ग्लोसरी में आप लोगों के पास जो वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं, ये आप लोगों ने कंप्लीट मीनिंग के साथ इसको याद करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास है एक क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग करेंगे नीट कॉपीज पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम का जो मेन आइडिया है वो क्या है उसके बारे में बताएं। इसमें आप लोग लिखेंगे, दिस पोएम इज द नरेशन ऑफ सेलर हूज शिप इज स्टक एंड मोशनलेस इन एन ओशन। ये पोएम जो है वो एक मल्लाह की जो है वो बयान करता कहानी है, जिसमें उनकी शिप जो है वो फंस चुकी है और बगैर हरकत के जो है वो समंदर में खड़ी है। ठीक है, तो इसमें आप लोग मेन आइडिया जो है वो इस पोएम का ये आपके पास। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के पास, डिफाइन द ब्लडी सन,
ब्लडी सन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसका आप आंसर लिखेंगे द पोएट हैज यूज द वर्ड ब्लडी सन। आप इसे इन्वर्टेड कॉमास में कर देंगे ब्लडी सन को। देखिए किसको आप डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, टू शो दैट द सन इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली एंड इट इज वेरी हॉट। पोएट ने जो ब्लडी सन वर्ड यूज किया है वो ये जाहिर करने के लिए किया है कि सन जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइटली शाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा गर्म और तपता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन है व्हाई वाज एवरीथिंग स्टक, हर चीज क्यों फंसी हुई है, क्यों रुकी हुई है, क्यों जमी हुई है। इसका आप लोग आंसर लिखेंगे देयर वर नो वेव्स इन द ओशन सो द शिप वाज मोशनलेस। पानी में समंदर में बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की लहरें नहीं है, इसलिए जो शिप है वो बिल्कुल जो है वो मोशनलेस है, यानी हरकत नहीं कर रही। एज अ रिजल्ट एवरी थिंग ऑन द शिप वाज स्टक, जिसके नतीजे में शिप में मौजूद हर चीज जो है वो फंस चुकी है, जम चुकी है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेंटेड ओशन। पेंटेड ओशन से आप क्या आपको जो है वो समझ आती है, इसको आपने डिस्क्राइब करना है। फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए द पोएट हैज यूज द वर्ड पेंटेड ओशन टू शो दैट द शिप वॉज मोशनलेस। पोएट ने जो है वो पेंटेड ओशन का वर्ड यूज किया क्या शो करने के लिए कि जो शिप है वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रही, एंड एवरीथिंग वॉज स्टक लाइक द ऑब्जेक्ट इन अ पेंटिंग, और हर चीज जो है वो इस तरह से रुकी हुई है जैसे पेंटिंग के अंदर कोई चीज स्टिल होती है, तो वैसे ही जो है वो एक्चुअल में सीन है जिसमें जो शिप है सेलर की वो बिल्कुल जो है वो मोशनलेस है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए एक्सप्लेन द लास्ट स्टैंजा इन योर ओन वर्ड्स, आखिरी स्टैंजा को आप एक्सप्लेन करें अपने अल्फाज में। इसको आप लिखेंगे इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट इट इज टू हॉट एंड ड्यू टू हीट द वुडन बोर्ड्स ऑफ द शिप हैज श्रंक। लास्ट स्टैंजा में पोएट ने बताया कि बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी है और ज्यादा हीट की वजह से जो लकड़ी की तख्ते हैं वो सुकड़ चुके हैं, और ही सो हेल्पलेस, वो बिल्कुल बेबस हैं, बेयारो मददगार हैं, थर्स्टी, बहुत ज्यादा प्यासे हैं। डेट वाटर इज एवरीवेयर, पानी हर जगह मौजूद है, बट देयर इज नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक भी कतरा नहीं है। द वाटर इन द ओशन इज साल्टी, क्योंकि पानी जो ओशन में है वो नमकीन है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों की होगी लास्ट पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बी, अंडरलाइन द वर्ड्स इन द पोएम व्हिच राइम्स विद दीज वर्ड्स। अब आप लोगों ने आपके चैप्टर में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो इन वर्ड्स के साथ राइम करें, इनकी मिलती जुलती साउंड है, आपने उनको जो है वो लिखना है इस ब्लैंक वाली जगह पे। आपके पास फर्स्ट वर्ड है ड्रिंक, तो आपके जो चैप्टर में वर्ड यूज हुआ है जो इससे राइम कर रहा है वो है श्रिंक। ठीक है, ओशन के साथ आप लिखेंगे मोशन और मून के साथ आप लिखेंगे नोन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन है आपके पास एड प्रीफिक्सेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू चेंज देयर मीनिंग। प्रीफिक्सेस बोलते हैं साबकों को, साबके क्या होते हैं कि किसी भी वर्ड से पहले एक वर्ड ऐड किया जाता है, अटैच होता है, और उस वर्ड को टोटली उसके मीनिंग को चेंज कर देता है, नया वर्ड बन जाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं दो वर्ड डिस और इंटर। डिस का मतलब होता है नॉट, यानी डिस जब किसी के साथ लगेगा तो उसका टोटली मीनिंग वो ऑपोजिट कर देगा, और उसके बाद आपने इंटर को जो है वो, इंटर का मतलब होता है दरमियान या माबैन, दो लोगों के दरमियान या काफी सारे लोगों के माबैन। ठीक है, तो इसको अब हम यूज करते हैं कि किस तरह से वर्ड के साथ जो है वो प्रीफिक्स लगता है और उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। तो सबसे पहला आपके पास वर्ड है इंटरेस्ट, आपने इसके साथ जो है वो डिस लगाया तो ये बन गया डिस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी चीज में दिलचस्पी लेना, लेकिन डिस इंटरेस्ट क्या है, गैर दिलचस्पी, यानी जिस चीज में आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते। इसी तरह से है लाइक, पसंद करना, और डिसलाइक जो है वो उसका मीनिंग है पसंद ना करना, इधर आप लोग एस लगाएंगे। उसके बाद आपके पास लॉयल, लॉयल का मतलब होता है वफादार, और डिसलॉयल होता है आपके पास जो बेवफा होता है। ठीक है, और ज्वाइंट जो है वो उसका जब डिस लगाएंगे, ज्वाइंट का मतलब होता है जोड़, और डिस ज्वाइंट का मतलब होगा जो चीज़ जुड़ी हुई नहीं है। फिगर जो है वो कोई शक्ल है, डिस फिगर किसी की शक्ल को खराब कर देना या बिगाड़ देना। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों के पास इंटर, इंटर को अब आपने कनेक्ट करना है इनवर्ट के साथ। इंटर को आपने लगाया सिटी के साथ तो ये बन गया इंटर सिटी। ठीक है, यानी शहरों के दरमियान कनेक्ट, इंटर कनेक्ट, आपस में जो चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई होती हैं, उनका आपस में कनेक्शन होता है, कोई जोड़ होता है, उन्हें इंटर कनेक्ट कहते हैं। इंटर प्ले जो है वो आपस में खेलना, इंटरेक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ, तो जैसे कम्युनिकेशन में आप किसी के साथ जो है वो करते हैं बातचीत या कोई गेम खेल रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से उसको हम बोलते हैं इंटरेक्ट। बाहमी अमल भी आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद है लिंक, लिंक को जब आप इंटर के साथ अटैच करेंगे तो बन जाएगा इंटरलिंक, यानी दो चीज़ें जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इनका आपस में कनेक्शन होता है, उसे हम इंटरलिंक बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास डी, इसमें है सिमिली। सिमिली क्या होती है? सिमिली में आप लोग दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं जो टोटली ऑपोजिट होती हैं। जैसे आप एग्जांपल देखें, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, वो इतना बहादुर है जैसे कि शेर। ठीक है, तो अब ही जो है वो किसी मेल बॉय के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, प्रोनाउन, और उसको जो है वो कंपेयर किया गया है लायन के साथ। तो इस तरह जब कंपैरिजन किया जाता है, हम उसमें आमतौर पर लाइक या एज का वर्ड यूज़ करते हैं, तो इस तरह के वर्ड्स को इंग्लिश में हम सिमिली बोलते हैं। पीछे आपको एक्सरसाइज दी गई है, उसमें कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, उसमें अब आप लोगों ने सिमिली जो है वो लगानी है। फर्स्ट आपके पास हॉट, हॉट का मतलब है बहुत ज़्यादा गर्म। तो अब आपने जो है वो वर्ड से सोचना है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा गर्म होती है। आप उसके साथ जो है वो खुद से भी बना सकते हैं, जो मैं लिखवा रही हूँ वो आप भी लिख लें आप लोग, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई और ज़्यादा अच्छा आता वर्ड तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। हॉट का लिखेंगे एज हॉट एज अ सन, ठीक है। आइडल होता है बेकार, फारिग, तो आप हम जो स्टोरी में हमने पढ़ा था आइडल का, हम वही लिख लेते हैं एज आइडल एज अ पेंटेड शिप। राइट बोलते हैं बिल्कुल स्ट्रेट को, एज राइट एज एन एंगल। ब्यूटीफुल बोलते हैं खूबसूरत को, एज ब्यूटीफुल एज अ नेचर। बिग बोलते हैं बड़े को, एज बिग एज एन एलिफेंट। अब इस बिग में जो है वो आप किसी जो है वो बिल्डिंग का नाम भी लिख सकते हैं, जो भी बिग चीज आपके माइंड में आती है आप उसको लिख सकते हैं। सॉफ्ट का मतलब होता है नरम, एज सॉफ्ट एज अ कॉटन, ठीक है। इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, सॉफ्ट बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है इसमें वर्ड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको आप लोगों ने बुक के ऊपर ही याद करना है। तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नादिया, अब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि जिसका जो है वो साइड पर नेम मैंशन किया हुआ है वो उस टाइम जो है मुहातिब है, वो बात कर रहा है। वी शुड गो फॉर अ पिकनिक, हमें सैर के लिए जाना चाहिए। शाजिया, येस वी शुड गो, हाँ हमें ज़रूर जाना चाहिए। लाइबा, दिस इज़ एन एक्सलेंट आइडिया बट द होल क्लास शुड डिसाइड द पिकनिक पॉइंट फर्स्ट, ये बहुत अच्छा ख्याल है लेकिन हमारी पूरी क्लास को, पूरी जमात को सैर की जगह का इंतखाब करना चाहिए। निदा, येस द होल क्लास शुड बी इन्वॉल्व इन द डिसीजन, पूरी क्लास को इस फैसले में शामिल होना चाहिए। फाखरा, डियर क्लास फेलोज वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, प्यारे हम जमातों आप लोग कहाँ जाना चाहते हो। द होल क्लास एग्रीज टू गो टू द बीच टू सी द ओशन, पूरी क्लास जो है वो साहिल समंदर पे जाने के लिए तैयार हो जाती है समंदर देखने के लिए। नादिया, वेल द बीच इज़ वेरी गुड प्लेस, बीच वाकई बहुत अच्छी जगह है। वी शुड रिक्वेस्ट आवर टीचर अबाउट आवर पिकनिक ट्रिप, हमें अपनी टीचर को पिकनिक ट्रिप के बारे में जो है वो उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। द होल क्लास चीयर्स अप, पूरी क्लास जो है वो खुशी से झूम उठती है। नेक्स्ट आपके पास एफ क्वेश्चन, राइट अ समरी ऑफ द पोएम ऑन द ओशन, अब आप लोग इस पोएम की जो है वो समरी करेंगे। समरी आप लोगों ने नीट कॉपीज में नोट डाउन करनी है, नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग देंगे पोएम की ऑन द ओशन, उसके बाद आप लोग पोएट का नेम लिखेंगे एस टी कॉलरिज, चाहे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लें चाहे आप सैमुअल टेलर कॉलरिज लिखें, दोनों तरह से ठीक है। उसके बाद आप लोग जो रिमेनिंग समरी है वो पेन से लिखेंगे। This poem is about a sailor on a ship on the ocean. He explains that it is too hot and the sun is shining very brightly and it is standing over our head. The days are passing by but we are stuck because the ship is motionless like a painted object. It is so hot that the wooden boards have shrunk. The sailors on the ship are helpless and thirsty. Water is everywhere but it is so salty that they cannot drink a single drop. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास जी पार्ट है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 50 टू 60 वर्ड्स ऑन अ जर्नी बाय बस, अब बोर्ड में आपको जो है वो इस तरह से टॉपिक दिया जाएगा और आपने उसमें एट लीस्ट 10 जो सेंटेंसेस हैं वो आपने लाजमी लिखने और आप ये सेल्फ राइटिंग इसमें आप करेंगे और आप कोशिश कीजिएगा कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस को यूज़ करें ताकि आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो कम से कम हो। ये ना हो कि आप बहुत लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेज बनाएं और उसमें आपकी बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाएँ, आपके मार्क्स डिडक्ट हों। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप टू द पॉइंट रेलिवेंट लिखें, 10 सेंटेंसेस लिखें और उसके अंदर जो है वो मिस्टेक्स कम से कम होनी चाहिए। चलो जी, अब आप लोग जर्नी बाय बस जो है, अच्छा उसके लिए उन्होंने आप लोगों के लिए एक जो है वो कुछ हिंट्स दिए हैं वर्ड्स के, जैसे बस स्टैंड लिखा हुआ है, ट्रैवलर्स, ड्राइवर्स, कंडक्टर, टिकट्स, हॉकर्स, हॉट, रेनी, स्टॉमी, विंडी, विंडी डे, प्लेजेंट, हॉरेबल, फीलिंग्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आपने इन वर्ड्स को जो है वो यूज़ करके अपना पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, माइंड में आप पहले जब भी आपको भी कोई ऐसे लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे होते हैं तो आप पहले उसकी आउटलाइन बना लेते हैं अपने माइंड में। तो वर्ड्स का हिंट उन्होंने आपको दिया हुआ है,
ठीक है, तो माइंड मैप आप अपना सेट कर लें और उसके बाद अपना जो है वो पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए, जिसमें आप लोग लिखेंगे, लास्ट संडे आई हैड अ मेमोरेबल जर्नी बाय बस। इट वॉज अ जर्नी फ्रॉम रावलपिंडी टू मरी। आई वेंट टू बस स्टैंड विद माई ब्रदर इन द मॉर्निंग। वी बॉट टू टिकट्स फ्रॉम द कंडक्टर। वी सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेवलर्स इन द बस। There was many hawkers on the bus stand. I bought cold drink and my brother bought snacks. It was a hot day but soon it began to rain. We saw horrible turns and curves. Soon we reached Murray. I was very happy to see Murray. ठीक है, तो आप लोगों ने ज्यादा देखी इसमें डिटेल में भी नहीं गई, लेकिन आप लोगों ने रेलेवेंट मेंशन किया था और आप कोशिश करें कि शॉर्ट सेंटेंस बनाएं ताकि आपका जो है वो मिस्टेक्स कम से कम हो। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोग आते हैं पेज नंबर 15 पे। पेज नंबर 15 पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इसके आंसर्स आप लोगों ने बुक के ऊपर नोट डाउन करने हैं। नंबर वन क्वेश्चन आपके पास, बट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉपर स्काई। कॉपर स्काई से क्या मुराद है? आप इसका आंसर लिखेंगे, इट मीन्स डैट स्काई हैज़ बिकम रेडिश। इसका मतलब है कि आसमान बिल्कुल सुर्ख हो चुका है, लाइक कॉपर, तांबे की तरह, बिकॉज ऑफ हीट की वजह से। नेक्स्ट आप देखिए, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मोशनलेसनेस। पोएट ने मोशनलेसनेस को किस तरह से डिस्क्राइब किया है, यानी कि बिल्कुल भी जो है वो हरकत जो नहीं हो रही उस सारे सीन में, उसको किस तरह डिस्क्राइब किया? आप इसका क्वेश्चन के ऊपर से ही मार्क करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने मार्क करना है इसका द पोएट, इधर से आप मार्क करेंगे डिस्क्राइब, आप खुद से इसमें एस का जो है वो एडिशन करेंगे, ठीक है। तो आगे आप लिखेंगे, द पोएट डिस्क्राइब्स द मोशनलेसनेस बाय सेइंग अ पेंटेड शिप ऑन अ पेंटेड ओशन, ठीक है। ये वर्ड कहते हुए पोएट ने जो है वो रिलेट किया है मोशनलेसनेस को। नेक्स्ट आप देखिए, वाई देयर इज़ नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक, कि क्यों एक भी पानी का कतरा जो है वो पीने के लिए दस्तयाब नहीं है। इसका आप आंसर क्वेश्चन में से करेंगे, देयर इज़ नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक। इसमें आप वाई को काट देंगे, क्वेश्चन मार्क काटेंगे, बिकॉज द ओशंस वाटर इज सॉल्टी, ठीक है। आगे आप ये लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन क्या बनेगा, देयर इज़ नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक बिकॉज द ओशन वाटर इज सॉल्टी। पानी के पीने के लिए एक भी कतरा दस्तयाब नहीं है क्योंकि समंदर का जो पानी है, बहर का जो पानी है, वो नमकीन होता है या नमकीन है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 इससे पहले किया है, उसमें आप लोगों ने सेंटेंसेस वाला पार्ट अभी नहीं किया था, वो आप लोग सुन रहे हैं कि आप लोगों ने जो ये बोल्ड लेटर्स वर्ड्स दिए गए हैं आपके चैप्टर में, जैसे आप इस चैप्टर में देखें आप लोगों के पास ब्लडी का वर्ड जो है बोल्ड किया हुआ है, मास्ट है, ठीक है, स्टक है, इस तरह से मोशन है, श्रिंक है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, और इसको करने से पहले आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ा था, टॉलरेंस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके आप लोग जो हैं वो सेंटेंसेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का काम स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का चैप्टर हो गया है कंप्लीट, आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से लर्न करना है। आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट सिर्फ कॉपीज पे नोट डाउन करना है, बाकी सारा का सारा आप लोगों ने बुक के ऊपर से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।